हेलो गाइस, वेलकम टू टेक कलियर। आज मैं बात करूंगा रशिया के टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा अपोजिट है चैनल के नाम से, बट ये भी थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, सो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो कि कहते हैं कि रशिया का वीज़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट वीज़ा माना जाता है टूरिस्ट का। कॉम्प्लेक्स काफ़ी सिचुएशन बन जाती है जब ये इसको हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे जो से इस गाइड को फॉलो करते हैं। तो गाइस चलिए हम अब शुरू करते हैं, आपको मैं टेक्निकल वे में सारा समझाऊँगा और प्रॉपरली आपको दिखाऊँगा। तो ये आपको शॉर्ट क्लिप दिखा रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप से, जैसे कि आपने जो करना है आपको इतना समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप हमारी इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि रशिया का कौन सा वीज़ा है, वो कोई इतना डिफ़िकल्ट वीज़ा नहीं है। और आप पूरे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपके हैंड में तब तक पूरा वीज़ा होगा। सो बनिए रहेगा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू गाइस। तो गाइस जो सा पहला स्टेप है वो है इनविटेशन मंगवाने का। आपको जो सा वो इनविटेशन अपना अरेंज करना पड़ेगा किसी टूर ऑपरेटर से, जो सा रशियन एम्बेसी में पहले ही रजिस्टर्ड हो। अगर मैं आपको सलाह दूँ तो मेरी तरफ से तो यही आप बताऊँगा कि बस वीज़ा डॉट ऑनलाइन एक अच्छी वेबसाइट है, बाकी आप खूब सारी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद में आपको जो सा ये ब्राउज करके आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, आप किसी भी वेबसाइट से करवा सकते हैं। बट वीज़ा डॉट ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि इसमें आप अपने इटनरी भी ऐड करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ रही है बात इटनरी की, तो मैं इटनरी की बात क्या कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ इटनरी क्या चीज़ है। इटनरी होती है आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपने रशिया में जाकर क्या करना है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो गाइस मेरे हिसाब से जो है आपको वीज़ा डॉट ऑनलाइन से जाने से पहले आपको एक वेबसाइट है booking.com करके, गैस कुछ इस तरीके का लोगो होगा booking.com का। आप इस वेबसाइट पे जाइए, इसको ब्राउज़ कीजिए, यहाँ पे होटल्स ढूंढिए ऑल ओवर रशिया में जहाँ मर्ज़ी। और इसका जो सा बेनिफिट वो ये है कि हम क्रेडिट कार्ड के बगैर भी, हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना, क्रेडिट कार्ड के बगैर और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दिए बगैर भी हम इसमें बुकिंग कर सकते हैं। लाइक हम सीट्स अपनी जो सी रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें जो सा आपको एक आपके पास जो सी डिटेल्ड प्रिंट आउट निकल आएगा फाइनल बुकिंग के बाद पे, जिसकी डिटेल्स जो सी है वो आप अपनी rusvisa.online की वेबसाइट पे नीचे इटनरी में डाल सकते हैं। जब हम rusvisa.online पे ऑपरेट करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत ज़्यादा इजी है इन्विटेशन को मंगवाना, और नीचे जहाँ से इटनरी की ऑप्शन होगी तो उसमें आप जहाँ का भी आपने होटल बुक कराया होगा, लाइक मॉस्को का, सेंट पीटर्सबर्ग का, रशिया का, तो जहाँ का भी आपने होटल बुक कराया होगा booking.com से, वहाँ की जो सी है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो सी है अपने एग्जैक्ट डेट भरनी है। रशिया एक कंट्री, ऐसी कंट्री है जो डेट्स के मामले काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपने कोई होटल सपोज कर लीजिए आपने 1 जुलाई से बुक कराया है 10 जुलाई तक, तो आप अपने इन्विटेशन पे 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की ही डेट डालें ताकि जो सा वो इन्विटेशन वो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आए। और जब आप इसके बाद में फॉर्म भरे थे जो कि रशिया वीज़ा की कुछ वेबसाइट एम्बेसी वेबसाइट पर हुआ इंडिया के, तो उस फॉर्म पर भी आपने वही डेट्स करनी है जो आपने इन्विटेशन पे जो से आपको डेट्स आई हैं वही डेट्स आपने भरनी हैं। सपोज़ अगर आपने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक का वीज़ा चाहिए तो आपको 1 जुलाई से 10 जुलाई तक का ही इन्विटेशन चाहिए होगा। रशिया जो है वो एक दिन का ज़्यादा या एक दिन का कम वीज़ा नहीं देता है। तो गाइस जो से डेट्स जो से इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है रशिया का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, काफ़ी अच्छी कंट्री है, ये आपको एक बार तो ज़िंदगी में ज़रूर घूम के आनी चाहिए। गाइस वीज़ा का जब हमारे पास अब इनविटेशन आ चुका है तो अब हम सेकंड स्टेप की ओर जो सा वो मूव करते हैं। तो सेकंड स्टेप जो सा है वो ये है गाइस कि आपको अपना पासपोर्ट 2 ब्लैंक पेजेस के साथ रेडी रखना होगा फॉर द वीज़ा स्टैम्पिंग। गाइस इस स्टेप में जो सी है नेशनैलिटी वो मायने नहीं रखती है, बिकॉज कोई भी पासपोर्ट होगा लाइक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जिसका मर्जी पासपोर्ट होगा उसके 2 ब्लैंक पेजेस उनको खाली चाहिए ही चाहिए, बिकॉज उस पर वो जो सी है वो वीज़ा स्टैम्प करेंगे। वीज़ा कुछ इस तरीके का दिखेगा गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे रशियन का टूरिस्ट वीज़ा की फॉर्मेट मैंने आपको जो है शो करने की कोशिश की है।
तो गाइस थर्ड स्टेप में से वो है हमें फॉर्म फिल करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म का फॉर्मेट ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया एंड डेट ऑफ एक्सिट इनटू रशिया, ये आपको एक्जैक्टली अपनी इन्विटेशन की डेट से मैच करके भरनी है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो गाइस स्टेप फोर में आपको अपनी फोटो क्लिक करवानी है। फोटो को जैसा फॉर्मेट होगा वो 3.5x4.5 सेंटीमीटर का, और फोटो कोई भी पार्टी स्टाइल में नहीं होगी। जैसा बैकग्राउंड होगा वो क्लियर वाइट होगा, और फोटोज पे आपकी स्माइल नहीं होनी चाहिए, आपका नॉर्मल फेस होना चाहिए लाइक विदाउट एनी स्माइल। और फोटोज का जो डायमेंशन है वो 3.5x4.5 आई रिपीट 3.5x4.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो गाइस जैसा फोटो होगा 3 मंथ्स ओल्ड ना हो ये आप ध्यान रखिएगा, और फोटोज जो है बिल्कुल फ्रेश हों। स्टेप 5 विल बी डिपॉजिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स टू द पीएफएस सेंटर। तो गाइस आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक आपने कलेक्ट किए हैं उसको आपको जो है वो पीएफएस सेंटर में जाके खुद उन्हें सबमिट करना होगा, और उससे पहले आपको पीएफएस सेंटर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी। तो गाइस वीएफएस जब आप डॉक्यूमेंट जाएंगे सबमिट करने तो वो अपने आप आपके डॉक्यूमेंट्स को जौन सा है वो सीरीज वाइज अटैच करेंगे और असेस करके फर्दर आपकी फ़ाइल को रशिया वीज़ा एम्बेसी में लॉन्च कर देंगे। तो इससे जौन सी आपकी फ़ाइल वो टोटली अब लग चुकी है। जौन सी फीस है वीएफएस की वो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं वीएफएस ग्लोबल से।